नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको किशोर कुमार जी का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग सिखाने वाला हूँ। सॉन्ग का नाम है एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई, फ्रॉम द मूवी अजनबी। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग मेरे नए नए अपलोडेड वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और दोस्तों, वीडियो को अपने मित्रों अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, एक बात और बता दें आपको, जिन भाइयों को ऑनलाइन कीबोर्ड पियानो सीखना हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो पर शो हो रहा है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे अपलोडेड किसी भी सॉन्ग का, यदि किसी भाई को बेस्टर्न नोटेशन चाहिए हो तो ₹150 पर सॉन्ग पे करके नोटेशन प्राप्त कर सकता है, और अपने फेवरेट सॉन्ग का ट्यूटोरियल वीडियो भी मुझसे रेडी करवा सकता है। उसके लिए आपको चार्जेस देने होंगे। तो चलिए सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं। इस सॉन्ग में प्रील्यूड नहीं है, सीधे सीधे स्थाई स्टार्ट हुआ है। देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको, अकॉर्डिंग की वॉइस में सीखते हैं। सबसे पहले देखिएगा। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर अगली लाइन, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अगली लाइन, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, देखिएगा। कुछ ऐसी बात हो गई, फिर एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तो मित्रों, इतना था स्थाई। तो चलिए फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं। फर्स्ट इंटरल्यूड में सबसे पहले फ्लूट का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। फ्लूट का पहला म्यूजिक पार्ट देखिएगा, फिर अगला पार्ट, इतना था फ्लूट का म्यूजिक पार्ट। इसके बाद संतूर का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा। टाइमिंग में इसके बाद गिटार का म्यूजिक पार्ट आ जाता है। फिर इसके बाद एफ शार्प मेजर कॉर्ड आपको ले लेना है इसके तुरंत बाद। तो मित्रों, इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। लाइन है, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, देखिएगा। अगली लाइन, जैसे निकल आया घटा से चांद। इसके बाद गिटार का एक छोटा सा फिलर म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले होगा। इसके जस्ट बाद स्ट्रिंग का म्यूजिक पार्ट है, कैसे प्ले करना है। वन फिंगर,
फिर यही लाइन रिपीट कर देना है, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चांद। फिर अगली लाइन देखिए, चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थीं। दिन में रात हो गई, इसके बाद गिटार का फिलर। इसके बाद मित्रों एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, लाइन आपको प्ले कर देना है जो कि मैं बता चुका हूं। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल। तो चलिए सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं। सेकेंड इंटरल्यूड में सबसे पहले संतूर का म्यूजिक पार्ट है, उसके बाद फ्लूट है। पहले संतूर का पार्ट देखिएगा, पहला पार्ट। फिर दूसरा पार्ट, इसके बाद फ्लूट का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले करना। देखिएगा फ्लूट, तो मित्रों इतना था सेकंड इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। लाइन है, जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। देखिएगा सेम फ्लो है, पहले अंतरे की तरह ही ये लाइनें भी प्ले होंगी। इसके बाद गिटार, वही फिलर है जो फर्स्ट अंतरे में भी था। कैसे, यहां पे ऐसे प्ले करना है। इसके बाद स्ट्रिंग, इसके बाद यही लाइन रिपीट करना है, जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। फिर आगे की लाइन देखिए, मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो। देखिएगा जाने हयात हो गई। फिर इसके बाद एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। तो मित्रों इतना था सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल। तो अब चलिए थर्ड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। थर्ड इंटरल्यूड में इलेक्ट्रिक गिटार का म्यूजिक पार्ट पहले आता है, देखिएगा। उसके बाद फ्लूट है, देखिएगा गिटार कैसे प्ले करना है। इसके बाद फ्लूट, फिर नेक्स्ट गिटार का पार्ट, देखिएगा। फिर से फ्लूट, देखिएगा फ्लूट, वन फिंगर। इसके बाद स्ट्रिंग है, देखिएगा कैसे प्ले करना। देखिए तो मित्रों इतना था थर्ड इंटरल्यूड। तो चलिए अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। तो बात ये चार पल का साथ ही है, फिर अगली लाइन सारी उम्र मुझको रहेगा याद। फिर यहां पर
गिटार का फिलर, स्ट्रिंग, फिर से यही लाइन रिपीट करना है। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। आगे की लाइन देखिए, मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर, देखिएगा। वो मेरे साथ हो गई, गिटार का फिलर, फिर लास्ट में एक अजनबी हसीना से, फिर लास्ट में एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, प्ले कर देना है। तो मित्रों इतना सा ही सांग, आशा करता हूँ ये ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। दोस्तों इस सांग का किसी भाई को वेस्टर्न नोटेशन चाहिए हो तो 150 रुपये पे करके नोटेशन प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।